हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे आज हम जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आपके डीपीएससी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में। ये पूरा मैं आपको पीडीएफ शो करूंगी, पूरा बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। एंड ये आपका टोटल 125 मार्क्स का है, 75 मार्क्स आपकी थ्योरी है एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो चलिए फिर सीधा कोर्स कॉन्टेंट पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है आपकी कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन का बेसिकली आपको इसमें पूरा पढ़ना है। ये आपका 20 मार्क्स का है यूनिट। तो फर्स्ट इसका पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डाइवर्सिटी और सिग्निफिकेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, डाइवर्सिटी यानी विविधता का, फिर कितने टाइप्स की विविधता होती है यानी डाइवर्सिटी होती है। देन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस बताना है। देन हिरार्की क्या होती है, लाइक मोर और लेस वैल्यू, सारा आपको बताना है। देन अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, डाइवर्सिटी जो है आपको क्लासरूम में आप कैसे अप्रिशिएट करोगे, एक इंक्लूजन कैसे लाओगे, और रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वन। देन इफ विल टॉक अबाउट यूनिट टू, तो यूनिट टू है आपकी डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। जो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर्स होते हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये आपके 20 मार्क्स की है। इसमें आता है बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लाइक टीजिंग, बुलिंग, एक्सक्लूजन, अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स बाय सर्टेन पीपल, जैसे कि वुमेन कांट परफॉर्म सर्टेन टास्क, रिलीजियस सेरेमनी, सर्टेन कास्ट कैन नॉट कुक इन अदर कास्ट होम एक्सेट्रा, जो भी ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं वो पढ़नी है। देन सोसाइटी पे डिस्क्रिमिनेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और इंडिविजुअल पे क्या पड़ता है, और आप कैसे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम करोगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और फंडामेंटल राइट्स आए, आर्टिकल बताना है 14 to 19। ये है आपका यूनिट टू में। अब बात करें यूनिट थ्री, तो यूनिट थ्री है जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट्स। ये आपकी 20 मार्क्स की है। तो फर्स्ट है जेंडर। तो जेंडर का अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ जेंडर, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, जेंडर क्या होता है और जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। देन जेंडर आइडेंटिटी और रोल्स क्या होते हैं। देन सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी कैसे डेवलपमेंट होती है। देन अदरिंग इन जेंडर बायस क्या होता है। देन जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें तो अपब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस होता है, सोशल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। जेंडर और स्कूल क्या होता है, प्री स्कूल के मेन उस पर बताना है लेकर। देन डबल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट थ्री। एंड इफ विल टॉक अबाउट यूनिट फोर, दैट इज इम्पॉर्टेंट यूनिट, 15 मार्क्स की है। ये आपकी इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, इसमें आपको बताना है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, देन स्कोप ऑफ इंक्लूजन और इंक्लूजन की क्या नीड है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन प्री स्कूल, आप इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कैसे इम्प्लीमेंट करोगे प्री स्कूल में, देन प्राइमरी क्लासेस में, और कोलैबोरेशन ऑफ स्कूल विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, कैसे आप इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए कैसे स्कूल के स्कूल और पेरेंट्स मिलके कोलैबोरेट करोगे। देन इंक्लूसिव स्कूल और क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। ये है आपके यूनिट फोर। अब हम देखें प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स में मैं ऐसे सच नहीं कहूँगी कुछ, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये आपके इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं, और मे बी आपका प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के बेसिस पे मार्क्स लग जाएँ। तो ओके, सो ये है हमारा पूरा जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का सिलेबस। आई होप अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।